सभी को नमस्ते और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे और आप कोरोना गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होंगे। कोरोना अभी गया नहीं है, भले ही अनलॉक हो गया हो और सभी तरह की अधिकतर दुकानें प्रतिष्ठान सभी खुल गए हैं और आने वाले समय में स्कूलों के भी खुलने की योजना है, लेकिन कोरोना अभी हमारे बीच में है। सरकार ने बढ़ते हुए केसों को देख के कोरोना के हल्के फुल्के जो मरीज हैं, जिनको हल्के फुल्के सिम्टम हैं, उनको होम क्वारंटाइन की सुविधा दी है। उसी के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि घर में किसी को कोरोना हो जाए तो घबराइए बिल्कुल नहीं। ये अन्य बीमारियों की तरह से है जो छुआछूत से फैलती हैं, सांस के द्वारा फैलती हैं। सावधानी रखनी है लेकिन परेशान ना हो। होम क्वारंटाइन का मतलब यह है कि आपको घर के अंदर ही रहना है, लेकिन आपको एक निश्चित जगह में रहना है। आपको ये नहीं है कि पूरे घर में आप घूमते रहें। आपका कमरा अच्छा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सूरज की रोशनी आए तो बहुत अच्छी बात है, और आपका एक शौचालय उसमें अलग होना चाहिए और उसी की बाउंड्री के अंदर आपको रहना होगा। बहुत बार ये देखने में आया है कि बहुत सारे व्यक्ति घर में घूमते रहते हैं या गली में घूमते रहते हैं या घर में इधर उधर बैठते रहते हैं, तो वो उचित नहीं है। जो भी कोरोना का समय है, चाहे वो एक हफ्ता है, चाहे 10 दिन है, चाहे 15 दिन है, जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, उसके भी 2-3 दिन बाद तक आप जो है घर में रहें तो आइसोलेटेड रहें। आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर पे लेटे रहें। आप घूम सकते हैं, आप हेल्दी खाना खाएं या आप फल खाएं, कुछ भी खाएं, घर में छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन वो सब अपने कमरे के अंदर। हाँ, ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको हेल्दी खाना खाना है। ज्यादा तेल वाले, मिर्च मसाले वाले खाने ना खाएं और एक हेल्दी खाना खाएं। ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडी दही, ऐसी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उससे गला खराब हो सकता है। फ्रिज की चीजों को आप अवॉइड करें। पानी भी बीच बीच में थोड़ा गुनगुना पीते रहें। नमक के पानी से गरारे करते रहें। स्टीमिंग आप रेगुलर लेते रहें, क्योंकि जब आप स्टीमिंग लेंगे तो आपका पूरा नाक का और गले का जो पैसेज है सांस लेने का, वो क्लियर हो जाता है गर्म भाप जाने से, और साथ ही साथ आपके साइनसेस खुल जाते हैं, आपकी ब्रीदिंग की, सांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, इसलिए भाप लेना आवश्यक होता है। कम से कम दिन में एक बार भाप लेने की पूरी कोशिश करें और दिन में एक या दो बार गरारे जरूर करें। गरारे थोड़े गुनगुने पानी से होने चाहिए और उसमें नमक जरूर पड़ा होना चाहिए। इसी के साथ जब आपको पता लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो जो भी डॉक्टर हैं, चाहे आप प्राथमिक चिकित्सालय पे गए हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट डॉक्टर को जानते हैं, अपने घर से किसी व्यक्ति को वो पेपर लेके भेजें और फिजिशियन से कुछ अपनी दवाइयां लिखवा लीजिए। कोरोना है और हल्के फुल्के केस हैं, कोरोना अपने आप ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ सपोर्टिव मेडिसिन हमें लेनी होती हैं। सभी को पता है कि बुखार के लिए क्रोसिन लेनी है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं, कुछ अच्छे मल्टीविटामिन हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये डॉक्टर की सलाह से आप अच्छे क्वालिटी के लिखवा लीजिए। साथ ही साथ आपको हाइड्रोक्सोक्विनोन कब लेना है, आपको एजिथ्रॉल कब लेना है, आपको एंटीवायरल मेडिसिन कब लेनी है, तो ये आपके फिजिशियन एक बार आपको बता देंगे और जैसे वो दवा बताएं वैसे आप निश्चित लेते रहें। साथ ही साथ खाने पीने में आपको कोई ऐसे परहेज की बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि अपने बर्तनों की सफाई रखें, उनको वॉश करके, अपने घर में जो आपको खाना वगैरह दे रहे हैं उनको दीजिए बर्तनों को वॉश करके। साथ ही साथ अपने कपड़े, अपने कमरे की भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो आपके प्रयोग की वस्तुएं हैं, जैसे कि आप अगर नाक से आपको कोई सिक्रेशन आ रहे हैं, आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं, आप रुमाल यूज करते हैं, तो रुमाल को धोइए साबुन से, गर्म पानी में उसको डुबो के रखिए और धूप में सुखाइए, प्रेस कर लीजिए रुमाल को, कपड़ों को प्रेस करना जरूरी है। साथ ही साथ यदि आप टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं तो उसको एक बंद डब्बे में आप डाल दीजिए, और जिससे कि उसमें जो भी इन्फेक्टिव चीजें हैं वो एक जगह रहें, ये चारों तरफ हर डब्बे में ना फैलें। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डीप ब्रीदिंग जरूर करें, क्योंकि ये जो बीमारी है ये सांस के जो रास्ते हैं, नाक है हमारी और गला है और हमारे फेफड़े हैं, इनको ये असर करती है, तो हमें अपने फेफड़े को मजबूत जरूर रखना है। उसकी एक छोटी सी टिप मैं आपको बताती हूँ। हर एक घंटे में, जब 10 बजा तो आप नोट कर लीजिए कि 10 बज गया, चलिए डीप ब्रीदिंग करनी है, आप 10 बार डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग का मतलब यह है कि गहरी सांस अंदर लेनी आखिरी तक, और
एक दो तीन गिनते तक आपको रोकनी है, फिर गहरी सांस जो ली है आपने उसको बाहर भी छोड़ना है, तो उसको फोर्सफुली ताकत के साथ धीरे धीरे करके आप बाहर छोड़िए और आखिरी सांस तक आप बाहर छोड़िए। फिर आप एक दो मिनट एक दो गिनती तक रुकिए, फिर आप दोबारा सांस लीजिए। तो ये पूरा एक प्रोसेस डीप ब्रीदिंग का होता है। साधारण तौर पर मैं आपको बताऊं कि हम एक मिनट में लगभग 10, 12, 14, मतलब 14-15 से ऊपर हम लोग सांस नहीं लेते एक मिनट में, और उसका मतलब 14-15 से ऊपर चली जाती है तो हम सोचते हैं कुछ दिक्कत है। अगर आपकी 12-14 के करीब एक मिनट में सांस है, या आप एक काउंट कर लीजिए कि आप एक मिनट में कितनी सांस लेते हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो अगर आप 12 बार सांस ले रहे हैं तो धीरे धीरे उसको 10 बार करिए, फिर धीरे धीरे उसको 8 बार करिए, फिर धीरे धीरे उसको 6 बार कर लीजिए। 6 या 5 बार से कम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनकी सांस इससे भी कम हो सकती है, लेकिन एक मिनट में 6 या 5 इतना ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग होने का क्या फायदा होता है कि आपके फेफड़े के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जो हवा लेते हैं और फिर उसको ऑक्सीजन अपने खून को देते हैं बॉडी के, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे गुब्बारे फूलने चाहिए लंग्स के और सारे की सारी ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए। और हम रोकने के लिए इसलिए कहते हैं सांस को कि जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, थोड़ा टाइम उसको इसलिए देते हैं। और उसके बाद आप पूरी की पूरी सांस निकाल दीजिए तो जिससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी हुई है वो निकल जाएगी। ये डीप ब्रीदिंग का फायदा होता है। डीप ब्रीदिंग से ये भी फायदा है कि जो छोटे छोटे से गंदगी इकट्ठी हो जाती है आपके फेफड़े में, आपकी फेफड़े की खून की नलियों में, वो पास हो जाती है। क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें थोड़ा कभी कभी खून जमने ऐसी वाली दिक्कत भी हो जाती है, तो हमें अपने फेफड़े को मजबूत रखना है, साफ रखना है, उसकी छोटी छोटी नलियों को, छोटे छोटे गुब्बारों को हमें बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। वो हमारा डीप ब्रीदिंग के माध्यम से ही संभव है। तो आप ये ध्यान रखें कि 10 बज गया, 10 बार आपने डीप ब्रीदिंग कर ली, फिर 11 बजा तो फिर कर लिया आपने, तो दिन में आप सोचिए कि आप 12 बार तो कर ही लेंगे डीप ब्रीदिंग। और वैसे भी जो लोग अपना रेगुलर प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब करते हैं तो वो अपनी ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में कोई टेरेस है, आपके घर की छत है, तो आप उसमें वॉक कर सकते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी आप चीजें हैं वहां पे कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, अगर हमें कोरोना है तो हमारी एक अच्छे नागरिक होने के साथ ये भी जिम्मेदारी है कि हमसे किसी को कोरोना ना फैले, चाहे वो हमारा घर का मेंबर हो, हमारे घर के बच्चे हो, बुजुर्ग हो, या फिर हमारे गली के रहने वाले लोग हों। तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम तो ठीक हो ही जाएंगे, जो कोरोना का रोगी है वो तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन यदि उससे किसी 70 साल के व्यक्ति को लग गई, किसी छोटे कमजोर बच्चे को लग गई, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, छींकते समय रुमाल रखिए, टिश्यू पेपर रखिए, उसको सही जगह पर डालिए। अगर टिश्यू पेपर आप यूज कर रहे हैं तो 4-5 दिन में सूख जाता है, उसको आपको जला सकते हैं, या वो उसको हम बायोवेस्ट में डालते हैं। बायोवेस्ट के लिए आपको सुविधा नहीं होगी तो आप उसको जला सकते हैं, जो आपने नाक साफ करी है या आपने छींकते हुए प्रयोग करा है। साथ ही साथ आप कोई भी दवा अपनी मर्जी से अपने आप से ना लें, क्योंकि जितने दवाइयों के फायदे होते हैं नुकसान भी हो जाते हैं। तो आप जो भी दवा लें अपने घर के किसी मेंबर को भेज दीजिए, आपको के बारे में वो सलाह कर लेंगे। अब अगर आप घर पे रह रहे हैं तो कब आपको L2 सेंटर या हायर सेंटर पे जाना है, बेहतर ही होगा कि आप एक थर्मामीटर रखें अपने पास। अगर आपका बुखार क्रोसिन से नहीं उतर रहा है, लगातार बना हुआ है, अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपका बलगम गाढ़ा आने लग रहा है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको डिसओरिएंटेशन हो रहा है, कंफ्यूजन सा हो रहा है दिमाग में, या आपके पैरों में सूजन आ रही है, या आपको कुछ छाती में कुछ अलग सा फीलिंग महसूस दे रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके, ये CMO को कंसल्ट करके, या अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको हायर सेंटर पे जाना है। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के हायर सेंटर हैं, गाजियाबाद में है, CMO के पास है। यदि आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं CMO साहब से या प्राइवेट आपका बात कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एक बार आपको सांस में अगर दिक्कत है तो बेहतर ये हो कि आप कहीं से एक पल्स ऑक्सीमीटर अरेंज करके रखें। आजकल बाजार में उंगली वाले पल्स ऑक्सीमीटर आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अगर आपकी ऑक्सीजन 95 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, 97-98 नॉर्मली रहती है, लेकिन यदि आपकी ऑक्सीजन 95 से नीचे जा रही है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है, बिल्कुल बिना हिचक करें।
अगर आप शाम को हैं तो शाम को, रात में दिक्कत हो रही तो रात में, तुरंत आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई पता नहीं रहता कि 95 से नीचे 90 चली गई तो फिर आपको मशीन की या फिर आपको नाक से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है आपसे, सबसे पहले तो हमें कोरोना के सभी जो गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना है और हमें 2 गज की दूरी रखनी है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, खुले में हमें थूकना नहीं है, और अपनी जो हम किसी को नाक साफ करी, किसी ने छींका थूका तो वो टिश्यू पेपर हमें सही से डिस्पोज करने हैं, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, घर पे क्वारंटाइन होना है तो घर पे हों, अगर आप हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जाइए, आप जल्दी ही ठीक होंगे। अपने देश में अच्छी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है, अपने हिंदुस्तानी लोगों की इम्यूनिटी भी अच्छी है, हमारे यहाँ के कॉम्प्लिकेशन रेट, हमारे देश में मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट सब बहुत कम है, और लेकिन अभी भी हमें सुरक्षा रखने की जरूरत है। अभी 6 महीने तक हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी टीका नहीं है और कोई ऐसी विशेष दवाइयां नहीं है कि जिनसे हम ये कहें कि हम कोरोना को 100% जीत सकते हैं। पुनः आप सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करें, आप भी स्वस्थ रहें, समाज भी स्वस्थ रहे। थैंक यू।